तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका है, मगर तुम्हारे चेहरे पर मायूसी या शिकायत की एक झलक तक नहीं। मैं अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बना सकती हूँ। मैं अपने अंदाज से जीना चाहती हूँ, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। ऋषभ मल्होत्रा बहुत जल्दी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने वाला है। जब जेठजी मरे थे मैंने तुमसे कहा था कुछ करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरी बीवी का मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपकी बेटी रितु का भी मेरे बारे में यही राय है। रितु बबली, दिन में सपने देखना बंद करो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, अरे अपने लिए कोई ढूंढ लो, कोई और जो तुमसे प्यार करे, जो मैं तुमसे नहीं करता। ये तुम्हारे डैडी की पसंद। ये तो कमाल हो गया माँ, ये तो कमाल हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, अब सब ठीक हो जाएगा माँ, सब कुछ। मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए तड़पता रहा और वही चीज मुझे नहीं मिली। ओके, मेरे डैडी का कीमती वक्त जो उनके जीते जी मुझे कभी नहीं मिला। स्वेतलाना, हेलो। हाँ स्वेतलाना, क्या बात रानी, आज इतनी चुप चुप क्यों? मैं अभी औरतों की एक पार्टी से लौटी हूँ, थकी हुई हूँ बस। औरतों की पार्टी में तुझे क्या मजा आएगा, तू तो जन्म से ही फ्लर्ट है। हाँ अगर मर्दों की पार्टी होती तो इस वक्त तो तू चहक रही होती ना। बकवास बंद करो रानी, मैं बहुत परेशान हूँ। कई इल्जाम लगा रही थी ये औरतें मुझ पर। औरतों के लगाए इल्जाम से इतनी जल्दी घबरा गई? मर्द लगाते हैं तब तो चमक आ जाती है तेरे चेहरे पे, तेरा देखना, तेरा बोलना, तेरा सुनना सब मर्दों के लिए होता है ना। औरतों की पार्टी से परेशान होकर लौटना तेरे लिए स्वाभाविक है। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है रोनी, मतलब की बात करो। मतलब पैसा, वरना ये 2 रुपए खर्च करके मुझको तेरे से बात करने का शौक नहीं है, क्योंकि यही 2 रुपए मैं अपने बेटे पे और अपने आप पे खर्च सकता हूँ। यू गो टू हेल रोनी, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है। जब आएंगे मैं सोनू के लिए हमेशा की तरह भेज दूंगी। और जब तक तेरे पास पैसा नहीं आएगा वो क्या करेगा, भूखा मरेगा? अरे उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उसकी फीस देनी है, उसको बॉय स्काउट के कैंप के लिए ऊटी जाना है। ये बहानों से काम नहीं चलेगा, तू पैसा भेज पैसा। तुम्हारा एक पेट्रोल पंप है, गराज है, वहां की आमदनी कहां जाती है? फिलहाल कुछ बंदोबस्त कर दो, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। कुछ नहीं है से मतलब क्या तेरा? नहीं है से मेरा मतलब है नहीं है बस। देखो रानी, मैं कोई बंगला, गाड़ी या फैक्ट्री खरीदने को नहीं बोल रहा हूँ, एक छोटे बच्चे की फीस और उसके ऊटी जाने के खर्च के लिए। मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे बार बार बोलने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हकीकत मैंने तुम्हें बता दी है। नो इट इज नॉट ओके। जब तू उस दौलतमंद शैतान के लिए मुझे छोड़कर गई थी ना, उस वक्त हम दोनों के बीच में यह तय हुआ था कि सोनू का सारा खर्च तू उठाएगी, एक एक पाई, और अब तू उस वादे से पीछे हट रही है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तू ये भी कभी मत सोचना कि औरों की तरह मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर तुझ पर यकीन कर लूंगा। मेरी बात ना ध्यान से सुन रानी, अगर शाम तक मुझे पैसे नहीं मिले ना तो मुझको गुस्सा आ जाएगा, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अपने ऊपर काबू खो बैठूंगा। और तू जानती है कि जब मैं अपने ऊपर काबू खो बैठता हूं तो मुझे क्या हो जाता है, इसलिए रानी मेरी बात ध्यान से सुन। ठीक है, तुम्हें शाम तक पैसे मिल जाएंगे। ओके, अब प्लीज फोन बंद करो, मुझे अब तुमसे न कुछ सुनना है और ना कुछ कहना है, प्लीज। रितु। अरे ऋषभ भैया, व्हाट अ ग्रेट सक्सेस। हाउ आर यू माय डार्लिंग। हम तो समझे थे कि आप हमें भूल ही गए। अरे ऐसा कभी हो सकता है? बट लुक एट यू, कितनी दुबली हो गई हो तुम, भूख हड़ताल पे हो क्या? नहीं बाबा, सिर्फ कम खाने की कोशिश करती हूँ। जिस तरह मम्मी खिलाती है उस तरह तो बहुत मोटी हो जाओगे। बाय द वे, आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है, घायलों की तादाद कहाँ तक पहुँची? पिछली बार 143 तक तो काउंट किया था मैंने। तुम भी ना रितु,
बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत गई नहीं तुम्हारी। हाँ आओ बैठो। और कैसा है सब कुछ? छोटी कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही? उसका क्या है, थोबड़ा फुला कर बैठी होगी कहाँ पे? थोबड़ा फुला कर क्यों भाई, फिर बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर लिया उसने। अरे ऋषभ भैया आप? ए नीतू हाउ आर यू? आप इधर कैसी है? आप इधर का रास्ता कैसे भूल गए? देख तू मुझे ताना मत मारा। हाँ लेकिन एक बात है, यू आर लुकिंग फैबुलस। ये मुंह पे इतनी लाली क्यों पोत के आई है तू? लेटेस्ट फैशन है भैया। अच्छा मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ पर मेरे दोस्त कहते हैं अच्छी लगती है। अरे खाक अच्छी लगती है, तू मेरी बात मान, तू इस लिपस्टिक के बिना बेटर लगती है। और ये तेरी आंखों को क्या हो गया? अरे यार इतनी खूबसूरत आंखें हैं तेरी, इन लेंसों के पीछे क्यों छुपा लिया तूने? क्यों, ये रंग अच्छा नहीं है? मैं हमेशा चाहती थी मेरी आंखें हरे रंग की हो। मम्मी को तो इस रंग से नफरत है, वैसे भी मम्मी को तो आजकल हर चीज से नफरत है। क्यों क्यों भाई, तुम लोग बहुत सताते हो क्या मम्मी को? भैया मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ और केक भी, यू नो मैंने खुद बनाया है। इट्स जस्ट एक्सीलेंट। ओके व्हाई नॉट। और बताओ नीतू क्या चल रहा है, कॉलेज वॉलेज कैसा है? सब ठीक है। इसने आपको कुछ बताया क्या? बड़ी छुपी रुस्तम है भैया, जब ये कॉफी लेकर आएगी ना तो उसके बारे में पूछना। वाओ दैट लुक्स फैबुलस, ये तुमने खुद बनाया? हाँ। यू गॉट बी जोकिंग। नो रियली। क्या कह रही थी ये चिपकली मेरे बारे में? कौन ये? तेरा मुंह देखकर लगता है कि तूने जरूर कुछ कहा है। मैंने तो जल्दी बता क्या कहा। मैंने तो अपना मुंह भी नहीं खोला, हम तो सुन रहे थे सिर्फ। क्यों भैया? हाँ हाँ बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। दीदी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है पर भैया आप तो इससे भी ज्यादा स्मार्ट हो। वो तो है। बता दे वरना मैं बताती हूँ भैया। अरे पापा अरे एक मिनट भाई, तुम लोग हाथापाई बंद करो। मैं तो आया था तुम लोगों से मिलने के लिए बस। अगर तुम लोग का दिल चाहे कि अपने बड़े भाई से तुम्हें कुछ कहना है तो बोल दो, वरना मेरा क्या है, फिर दफ्तर चले जाऊंगा, काम शुरू हो जाएगा। जी मेरे बेटे ऋषभ की कुंडली है, जरा देख के बताइए। यहाँ भी शनि की ही मार है, इस इंसान को राहु और शनि तंग कर रखा है। समय खराब है, अगर कुछ नहीं किया गया तो। नहीं नहीं उपाय जरूर करूंगी। हवन करवाने पड़ेंगे, तांत्रिक उपाय करने होंगे। तुम तो जानते हो ये परिवार किस मुश्किलों से गुजर रहा है। जो सबको संभाल रहा था वो हर एक को बेसहारा छोड़कर चला गया। इस मृत्यु के बारे में तो पहले ही बता दिया था आपको मैंने, अगर मुझसे दोबारा सलाह की होती तो शायद ये मृत्यु ना होती। हाँ भूल तो मेरी थी, मैंने तुम्हें पहले ही बुला लेना था, लेकिन क्या करूं मेरी किस्मत ही खराब है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक दिन हमारे आश्रम में आ जाइए, एक बड़ा हवन करवा देंगे, आपके तमाम शत्रुओं का नाश हो जाएगा। मगर मेरी हाथ की रेखा ही क्या कह रही है, मुझे लगता है किसी दुश्मन ने कुछ पढ़कर मुझ पे फूंका है। दिन रात टूटती जाती हूँ इस दुश्मन का खात्मा करने के लिए, तुम्हारी सहायता की जरूरत होगी मुझे। माता जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा, माता के का नाम ही करिश्मा कर दिखाता है, माता के मंत्रों से कितनों को जीवन दान मिला। मुझे जीवन दान नहीं देना, जीवन बर्बाद करना है, एक जीवन जिसने मेरी जिंदगी की खुशियों में आग लगाई है। जब तक वो जिंदा है ऋषभ को कभी शांति नहीं मिलेगी। जो भी कुर्बानी देनी है दूंगी, मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करती हूं इस परिवार को उस औरत से मुक्त कर दो। खूबसूरती की इंतहा लग रही हो तुम, लगता है चांद धरती पर उतर आया है या फिर मैं ही जन्नत पे पहुंच गया हूं। बस करो सूरज, तारीफ के लिए दो लफ्ज ही काफी होते हैं, बोलते रहना जरूरी नहीं होता। क्या करूं, जब भी तुम्हें देखता हूं तुम हसीन से हसीन तरीन लगती हो, कामदेव की प्रेमिका रति से भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। तुमने सिर्फ रति का नाम ही क्यों लिया, मेनका भी तो थी जिसने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी।
चलो मेनका ही सही, परी तो वो भी थी। ओ सूरज फॉर गॉड्स सेक, इस ड्रेस ने तो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। मोतीलाल सेठ तुम्हें देखेगा तो देखते ही बेहोश हो जाएगा, और उसके बाद जब होश में आएगा जो मांगोगी वो देने को तैयार होगा। मेरा कुछ भी मांगने का इरादा नहीं है। वैसे भी तुम जैसी औरतों को कुछ भी इनकार करना मुश्किल होता है। लोग तो आसमान से चांद सितारे तक तोड़ कर लाने को राजी हो जाते हैं। मुझे ले लो। तुम बोलते बहुत हो सूरज, अब जल्दी चलो नहीं तो लेट हो जाएंगे, और मुझे देर से पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं है, सारी नजरें घूरती रहती है। भाई यही तो असली बात है, मैं चाहता हूं ऐसे वक्त जाएं जब सब आ चुके हों, तुम्हारा दाखिला एक खास अंदाज में हो, जैसे तुम एंटर करो सब नजरें तुम पे जुड़ जाएं, तुम्हारी मौजूदगी का एक खास इंपैक्ट हो और ऐसी कवरेज हो कि कवरेज? ये तुम क्या कह रहे हो, क्या प्रेस भी वहां होगी? तो क्या ऐसे मौके पर प्रेस नहीं होगी? भाई फैशन शो में प्रेस का ना होना ऐसे होता है जैसे बिन नमक के दाल। वैसे भी आजकल की दुनिया में पब्लिसिटी की किसको जरूरत नहीं है। शोहरत मेरी चाहत नहीं है, और प्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने तो अक्सर प्रेस को अपने से दूर रखा है। केशव की मौत के बाद कितने अखबार और मैगजीन वाले आए, लफ्जों के हिसाब से रुपए ऑफर किए हमारी कहानी के लिए, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। और इस बिजनेस प्रोजेक्ट में भी मैं तभी प्रेस को बुलाऊंगी जब हम पूरी तरह तैयार हो जाएंगे और हमारे पास प्रेस को दिखाने लायक कुछ होगा तब। जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है सूरज, लॉन्ग रन में कामयाब कभी नहीं होती। जैसी आपकी आज्ञा मलिका हुस्न। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि आज जब भरी महफिल में तुम्हारे साथ अंदर आऊंगा, पार्टी में एंटर करूंगा, तो मेरी गर्दन सबसे ऊंची हो जाएगी, लोगों की नजरों में मेरी जगह बदल जाएगी जब वो मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे। देखो खुद ही देख लो कितने अच्छे लग रहे हैं हम दोनों एक साथ। हैरत से लोग देखेंगे और कहेंगे वाह क्या जोड़ी है। चले भैया, दीदी का बॉयफ्रेंड शादीशुदा है। It's okay. Control yourself. मत रो रहे थे। मत रो। मगर मैं जानता हूं ये आदमी कौन है। रितु, तू इस आदमी के चक्कर में कैसे फंस गई? हमारी कॉलेज ने एक सोशल कैंप ऑर्गेनाइज किया था, वही मुलाकात हुई। उस एरिया का एमएलए होने की वजह से वो स्टूडेंट को किसी विषय पर भाषण देने आया था, और पहली ही नजर में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ महीने तक तो ये राज रहा। दीदी बहुत डरती थी कि कहीं मम्मी पापा को पता ना चल जाए, लेकिन अब तो उन्हें भी मालूम है। अरे उन्हें ही क्या, सारे शहर को पता है। रितु, भाई तुम नाबालिग हो, मासूम हो, और तुम्हारी जिंदगी में इस इंसान की मौजूदगी तुम पर, तुम्हारे परिवार पर बुरा असर कर सकती है। मेरी बात मान लो रितु, इस इंसान को अपने दिमाग से निकाल दो। अरे तुम्हें तो कई और अच्छे लड़के मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो मैं ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे क्लास का हो। मगर रितु प्लीज इस आदमी को भूल जाओ। भैया आप ही इन्हें कुछ समझाइए, जब देखो अकेली बैठी रहती है, आंखों के नीचे इनके सोजन आ गई है, चेहरा पीला पड़ गया इनका, रात को ठीक से सोती भी नहीं है, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, और कभी कभी तो रात को उसका 3 बजे फोन आता है। टेरिबल। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे वो अपने आप को समझता क्या है? तुम ऋषभ मल्होत्रा की बहन हो, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं। मगर तुम लोग चिंता मत करो, इस प्रॉब्लम को मैं अपने हिसाब से सॉल्व करूंगा। तो तुम इस आदमी के साथ फंस कैसे गई? But don't worry, he will not bother you anymore. ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं। Just leave it to me. देविका तुम यहां? Hi, come in.
बहुत अच्छे लग रहे हो, अपने डैडी के मुकाबले में नहीं, फिर भी नॉट बैड। मुझे पता है कि मैं अपने डैडी के मुकाबले कुछ भी नहीं हूं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि बिना अपॉइंटमेंट तुम यहां कैसे टपक पड़ी? यहां आने के लिए मुझे कभी तुम्हारे डैडी से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा। गलत सोचा तुमने, डैडी डैडी थे और मैं हूं, बिजनेस में भी अलग और जाती तौर पे भी अलग। ऋषभ, इस उम्र में इतना संजीदा होना अच्छा नहीं है, तुम्हारी उम्र और पोजीशन के मुताबिक तो तुम्हारी जिंदगी कुछ और होनी चाहिए। वाइन, विमेन एंड सॉन्ग, यू नो, ये क्या कागजों में कहां लिपट गए तुम? केशव का तुम में खास कुछ नहीं है। मेरे डैडी का मुझ में क्या है और क्या नहीं है ये तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं वैसा बनना नहीं चाहता जैसा तुम सोचती हो मुझे होना चाहिए। खैर, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ किस मकसद से आई हूं यहां पर? स्वेतलाना, जो शायद तुम्हें भी कई जगह चुभ रही है। स्वेतलाना कोई कांटा नहीं है देविका जो मुझे चुभे, वो एक हकीकत है, जैसे डैडी की मौत एक हकीकत है। वो शायद एक हकीकत है, और अगर वो हकीकत नहीं होती तो तुम्हें बहुत राहत मिलती। स्वेतलाना का होना मल्होत्रा एम्पायर के लिए अनजाना खतरा है, ये तो तुम जानते हो। अगर वो खतरा नहीं होता तो तुम्हें बहुत चैन होता, isn't that so? तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसे मरवा दूं? तुम भी silly। बिजनेस की दुनिया में लोगों को मरवाया थोड़ा जाता है ऋषभ, अपनी जिंदगी छुड़ाने के लिए दूसरों का जीना हराम कर दिया जाता है, that's all। देविका, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी नसीहत सुनूंगा, और अगर सुन भी ली तो मानूंगा? तुम्हारे भले की ही बात करने आई थी मैं। बड़ी अजीब सी बात है भाई, जब से मेरे डैडी मरे हैं तब से हर इंसान को मेरी भलाई सूझ रही है। ऋषभ, मैंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत तजुर्बा है मेरे पास, अपनी गलतियों से बहुत सीखा है मैंने, इसीलिए केशव भी मुझसे बहुत बार सलाह लिया करते थे। मिलान में उन्होंने मुझे इसीलिए तो बुलाया था। मिलान में तुम्हारा डैडी से मिलना महज एक इत्तेफाक है, मैं जानता हूँ। तुम भी रिडिकुलस, ऐसी मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती, बहुत पहले प्लान की जाती है, जैसा कि केशव ने किया था। अच्छा, और अगर ये बात है तो डैडी की इस एडवांस प्लानिंग का पता स्वेतलाना को क्यों नहीं है? You're such a baby। तुम्हें क्या लगता है केशव स्वेतलाना को हर बात बताता था? केशव जैसा इंसान बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं बताता था सिवाय मेरे। मुझे कुछ ऐसी बातें भी मालूम है जो शायद तुम्हारी माँ को भी नहीं मालूम होंगी। देविका, मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि आजकल मुझे सब में फरेब नजर आता है, स्वेतलाना में भी और तुम में भी, इसलिए तुम्हारी बात मैं सुन तो लूं लेकिन विश्वास नहीं कर सकूंगा। आई एम सॉरी। ये तुम्हारी बदकिस्मती होगी ऋषभ, अगर तुम मुझ पे यकीन ना करो। मैं जो कुछ जानती हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत फायदे की बातें साबित हो सकती हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़े खिलाड़ी थे, और फॉरेन मार्केट्स में उनके काफी शेयर्स भी हैं। अच्छा। बल्कि जिनीवा में भी उनका एक लग्जरी फ्लैट था जो मैंने हाल ही में बेचा था, हम लोग वहां अक्सर रहा करते थे। तुम्हें अचरज नहीं होता कि जब भी तुम्हारे डैडी जिनीवा जाते थे स्वेतलाना के साथ तो हमेशा एक होटल में रहते थे? अच्छी कहानियां बना लेती हो तुम देविका, लेकिन तुम चाहे कितनी भी कहानियां बना लो उन कहानियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैंने डैडी से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, एक बात जरूर सीखी है, किसी के जाल में फंस के या किसी के दबाव में आकर मैं झुकने वाला नहीं हूं। ऋषभ मल्होत्रा इज नॉट ओपन टू ब्लैकमेल, और इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लिया देविका। अपने जो ट्रिक्स है ना, ये किसी और पे जाकर इस्तेमाल करो, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं होने वाला, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, समझी? मुझे लगा था तुम अपने नजरिए पे टिके रहोगे, अच्छी ट्रेड है।
लेकिन लॉन्ग रन में ये बेवकूफी भी साबित हो सकती है। देखो देविका, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे नसीहत देने की कोई जरूरत नहीं है, और जो सब बातें तुमने मुझे अभी सुनाई हैं, वो मैं जाकर सुधाकर अंकल को सुना दूंगा। हाँ, राव, गुड ओल्ड राव, डीसेंट लुकिंग चैप, वेरी फाइन कैरेक्टर। उसपे मेरी नियत खराब हुई थी कुछ साल पहले, सिर्फ केशव को जलाने के लिए और कुछ नहीं, और बनी। डैडी और अंकल जैसे दो दुनिया देखे हुए मच्योर इंसान तुम्हारे अदाओं में कभी नहीं उलझ सकते। अरे औरतें तो उनकी जिंदगी में ऐसी आती जाती रही हैं जैसे हाईवे पर ट्रैफिक। और हाँ, एक बात और बता दूं तुम्हें मैं, दौलत की दुनिया में ऐसी औरतों का कोई दर्जा नहीं होता। डू यू अंडरस्टैंड मी? तुम्हारी जुबान एक कसाई की छुरी से भी ज्यादा तेज है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू। तुम दूसरों जैसे नहीं हो, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी दूसरों से अलग हूं। सुप्रीति, तुम मेरी बात नहीं सुन रही। देविका, प्लीज प्लीज, अब तुम जाओ। जूली, मेरे दफ्तर में इस वक्त जो मेहमान बैठी हैं, उन्हें बाइज्जत बाहर तक छोड़ दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है ऋषभ, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई थी कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। You're gonna need me pretty fast.